हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे रिएक्शंस। हमने जो रिएक्शंस कर लेते थे उसके बाद की और रिएक्शंस आज हम करने वाले हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे क्या, हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस, कि हैलोजन को कैसे एक्सचेंज किया जाता है, हैलोजन ग्रुप को कैसे रिप्लेस किया जाता है, एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है। इन रिएक्शंस में देखो दो रिएक्शंस हमारे पास मेन होती हैं इसमें, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या है अपने पास, जिसको बोलते हैं हम फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, उसको हम देखते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले होता है RX, क्या होता है RX, जिसको हम बोलते क्या है, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है इस रिएक्शन में, सेकंड होता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं मेटैलिक या फिर बोलते हैं NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, डायरेक्ट बोल दो सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों को हम एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं और इसमें एक कैटलिस्ट डलता है जिसका नाम होता है ड्राई एसीटोन। ठीक है, एसीटोन डालना है ड्राई फॉर्म में। अब होगा क्या है, ये जो हैलोजन्स है ना, ये दोनों एक दूसरे की जगह यहाँ पे आ जाएंगे, इंटरचेंज कर लेंगे अपने अपनी जगह को, ठीक है। तो आर के साथ पहले एक्स था, है ना, तो क्या हो जाएगा, अब आर के साथ आई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस में क्या है हमारे पास, एन ए आई था तो एन ए एक्स हो जाएगा। तो देखो आपको लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल आयोडाइड। और सेकंड जो अपने पास प्रोडक्ट है उसको क्या बोलेंगे, सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन को आपको जो यहाँ पे 12th क्लास में आपके पास ऑर्गेनिक मतलब जो केमिस्ट्री होते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर होता है, मतलब उसी में हम देखते हैं, एक होता है हेलो एल्किन और हेलो अरीन्स, उसके अंदर ये रिएक्शन आती है हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में कि होगा क्या, आर एक्स लेना है, एन ए आई लेना है, दोनों हैलोजन एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट करेंगे और जाकर के यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन क्या करना है इसमें। एग्जाम्पल में जैसे हमने R की जगह लिया CH3, ठीक, और यहाँ पे X की जगह हमने ले लिया Cl। और ध्यान रखना यहाँ पे जो X होगा ना, यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, ठीक है, X इज इक्वल टू Cl और Br, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, फ्लोरिन पे नहीं जाना है। प्लस NaI, ठीक है, तो होगा क्या, ये Cl और ये I एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और क्या है अपने पास, सोडियम आयोडाइड। हमने इन दोनों को रिएक्शन करवानी है, और किसकी प्रेजेंस में करवानी है भाई, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करवानी है। करवाओगे तो होगा क्या, CH3 के साथ Cl था, तो अब CH3 के साथ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल आयोडाइड। प्लस में अपने पास क्या बचा हुआ है, NaI था, तो NaI की जगह क्या हो जाएगा, NaCl, जिसको बोलते क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन समझ में आई कि इसमें होगा क्या, ध्यान रखना इसमें ना ये चीज़ ध्यान रखनी है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में इसको करते हैं, क्योंकि जो CH3I होता है ना, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, फिर क्या हो जाती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाते हैं, वापस ये बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ड्राई एसीटोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी कैसे हमने हैलोजन को एक्सचेंज किया। इसकी एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम है अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसको भी देख लेते हैं हम कैसे उसके अंदर हैलोजन को एक्सचेंज किया जाएगा। सेकंड क्या है अपने पास, स्वार्ट्ज रिएक्शन।
इस रिएक्शन में देखो ध्यान रखना, पहले तो जो X होगा, X की जगह आप Cl ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो और ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ना आयोडीन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, जैसे उसमें ले रहे थे उसी तरीके से इसमें भी होता है, Rx प्लस में हमें इसमें क्या लेना होता है, मेटैलिक फ्लोराइड होती है, ठीक है। मेटैलिक फ्लोराइड में आप ले सकते हो, मेटल में क्या ले सकते हो आप, Ag ले सकते हो जिसको क्या बोलते हैं सिल्वर, या फिर आप ले सकते हो Hg जिसको क्या बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ले लेती हूँ AgF, AgF इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, AgF जिसको क्या बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड के साथ इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई मतलब हमारे पास क्या नहीं होता है, कैटलिस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या करेंगे हैलोजन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। हैलोजन यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो R के साथ आ जाएगा F, ठीक है, प्लस क्या था हमारे पास Ag था, तो Ag के साथ कौन आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर हैलाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। आई थिंक आपको जनरल रिएक्शन समझ में आई होगी कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, AgF या फिर Hg, मतलब मरकरी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी आप कौन सा वाला मेटेलिक लेते हैं। तो मेटेलिक फ्लोराइड लो और Rx लो, एल्काइल हैलाइड लो, दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करवाओ, यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज कर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर हम चलें तो हमने R लिया था, तो R की जगह मैं C2H5 ले लेती हूँ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, ठीक है। और क्या लेना था, X लेना था साथ में, तो X की जगह हमें क्या लेना है, Cl और Br, तो मैं Br ले लेती हूँ, प्लस इसको क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्लस में सेकेंड रिएक्टेंट हमें क्या लेना है, AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, लिख देती हूँ मैं नाम भी, ना सिल्वर फ्लोराइड लिया हमने, और इसको रिएक्ट करवा देना है हमें। जब रिएक्ट हम करवाएंगे तो होगा क्या, CH3 Br जो है BrF के साथ अपना जगह को चेंज कर लेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास C2H5F, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, प्लस में अब क्या बचा है, Ag और Br बचा है, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, AgBr जिसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। क्या आपको हैलोजन रिएक्शन की दोनों रिएक्शन समझ में आई क्या, हैलोजन को कैसे हमें एक्सचेंज करना है, ये हमारे पास जो 12th क्लास में बताया था ना, कि 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्या नाम है उसका, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स, उसके अंदर ये रिएक्शन आती है कि कैसे हैलोजन को एक्सचेंज हमें करना है। आई थिंक आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।